हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम लगा रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 का 15 क्वेश्चन और 16। तुम्हारा पहला पार्ट है 15 क्वेश्चन का, 25a² - 35a + 12। तुम क्वेश्चन में हमको क्या करना है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवेन। हमको एरिया गिवेन है, तो यानी लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, तो उसको हमको फैक्टराइज करना है दो पार्ट में। तो हम इसको करते हैं, मिडिल टर्म को हम दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। 25a² हम 20a और इधर भी हो जाएगा 15a, इन दोनों को मल्टीप्लाई हम अगर करेंगे तो ये 12 और 25 को मल्टीप्लाई बराबर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 12। अब इसको फैक्टराइज आराम से हम कर सकते हैं। 5a, तो 5a - 4 - 3 3, 5a - 4, तो आ जाएगा हमारा 5a - 3 और 5a - 4। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ लेंथ हमारी हो सकती है 5a - 4 और ब्रेड्थ हो सकती है 5a - 3। अब हम इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 35y² + 13y - 12। अब इसको हम फैक्टराइज करते हैं, तो मिडिल टर्म को हम जब दो भाग में डिवाइड करेंगे, इधर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन में आना चाहिए इसका आंसर। 35y² + 28y - 15y - 12, ये हो गया। अब इसको हम वो फैक्टराइज करते हैं, तो आएगा 7y 5y + 4 और ये -3 3 हो जाएगा, 5y + 4 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। अब ये आ जाएगा 7y - 3 और 5y + 4। तो हम कह सकते हैं लेंथ हो गई हमारी 7y - 3, ब्रेड्थ होगी 5y - +4, ये हो गया। अब हम करते हैं 16th क्वेश्चन। तो हमारा 16th क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड हुज वॉल्यूम आर गिवेन बिलो। तो हमारा पहला पार्ट है, पहला पार्ट 3x² - 12x, ये है। इसको हम सिंपली फैक्टराइज करेंगे, तो आ जाएगा हमारा 3x इधर आ गया, तो x - 4, ये हो गया। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ हमारी, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, इसमें तीन डायमेंशन है, तो हम लिख सकते हैं लेंथ हमारी होगी 3x, ब्रेड्थ होगी x और हाइट होगी -4। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। तो हमारा सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट 12ky² + 8ky - 20k। अब हम इसको फैक्टराइज हमको करना है, तो हम तीनों को एक ही बार में फैक्टराइज करेंगे, हाँ, क्योंकि सब में के है और सब 2 से डिवाइड हो रहा,
टू से, फोर से भी हो रहा, तुम लिख सकते हैं फोर के, तो आ जाएगा हमारा इधर 3k + 3k, तो हट जाएगा वाई स्क्वायर, 3y² + 2y - 5, ये आ गया। और अब हमको इसको फैक्टराइज करना है, 3y², ये हमको माइनस में आना चाहिए, मतलब सब्ट्रैक्ट, दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y आना चाहिए, 15, तो हम आ जाएगा 3y² - 3y + 5y - 3, 5। हाँ, तो हम लिख सकते हैं 4k 3y, और इधर आ जाएगा y - 1 + 5y - 1, तो अब हम लिख सकते हैं 4k 3y + 5 5y - 1, ये आ गया। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, हमारी लेंथ हो सकती है 4k और ब्रेड्थ हो सकती है 3y + 5, हाइट हो सकती है 4 - 1। तो हमने फिर आपको बताया 15 और 16 क्वेश्चन के आंसर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।